मैं बताऊं, एक लड़की एक बार कहने लगी, ब्राह्मण घर की थी, कहती मैंने शादी करनी है। तो मैंने कहा लड़का, कहता है, कहती है लड़का है बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा लड़का मिलेगा ही नहीं। मैंने कहा क्या कास्ट है? कास्ट बताए ही नहीं, कास्ट बताए ही नहीं। मां बाप ने बताया कि वो जो शराब निकालते हैं ना, वो जो बेचारे दूसरे कास्ट, कास्ट अपनी अच्छी है, अपने लिए अपनी कास्ट राजा की तरह है, राजा की तरह, कसाई कसाई। मैंने कहा लड़की, कहते नहीं इतना अच्छा है ऐसा लड़का मिलेगा ही नहीं। अरे भाई ब्राह्मण लड़की, माँ बाप इतने दुखी हो गए। अरे माँ बाप को दुख देना, अरे बेवकूफ तुमको किस लिए खर्चा किया? मैंने कहा बेवकूफ, पहले तो सोच माँ बाप ने खर्चा कितना किया तेरे पर, और उनको तो दुख दे रही है। नहीं बहुत अच्छा लड़का, शादी हुई एक महीने बाद हमको फोन करती है, मैं इसको तलाक दे दूं एक महीने के बाद। मैंने कहा मूर्ख कहीं की, मेरे से बात नहीं करना अब, क्या बात करनी? जिस माँ बाप ने तेरे पर जो है 2 करोड़ रुपए लगा दिया, इतनी उम्र पाला पोषा, जो तुम उनको धोखा दी है, हमसे क्या पूछती है? जा जो मर्जी कर, अब कर लिया जब। 2 महीने बाद ही कहती है, कहती है इसके अंदर कोई बुराई नहीं कि जो इसके अंदर ना हो, कोई गंदगी नहीं जो इसके अंदर ना हो। मैंने कहा तू तो पहले कहती थी इस ऐसा अच्छा तो मिल ही नहीं सकता। बस रोने लगी, फूट फूट के, फूट फूट कर रोने लगी। 2 महीने बाद ही तला। अरे मूर्ख, पहले समझ लेती, माँ बाप को दुखी ना करती, बदनामी ना होती, अच्छी जगह भी जाती, अब तलाक देके क्या मिला? अरे भाई फिर दूसरी बात यह है, संस्कार बच्चा खत्म करे इसका मतलब यह नहीं कि मां बाप भी खत्म कर दे। बच्चा संस्कार खत्म करे तो यह नहीं कि मां बाप भी उसके साथ मरे। मां बाप को अपना संस्कार बचाना चाहिए, बच्चा खत्म करे तो वो भी खत्म कर दे, ये कोई नियम नहीं है। मैंने कहा जा, मां बाप को भी कहा मैं इसको आने मत दो, बस ये भोगे, जो पाप करे पाप का फल भोगे। अब दुखी पड़ी है अकेली,